यो-यो किड्स। हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है और क्या है होली दहन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक अत्याचारी राजा राक्षस हिरण्यकश्यप, जिसने अत्यंत भक्ति कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, जिसके मुताबिक विश्व का कोई भी जीव उसे नहीं मार सकता था, ना उसका वध दिन में ना रात में हो सकता था, ना धरती पर ना आसमान, ना घर में ना घर के बाहर, और किसी भी तरह का हथियार उसका वध ना कर सकता था। हिरण्यकश्यप बहुत ही अहंकारी था। उसने वरदान प्राप्त करने के बाद पूरे राज्य में ऐलान किया कि आज से वही भगवान है और उसके राज्य का हर इंसान आज से उसी की पूजा करेगा और जो ना करता उसे बहुत कष्ट दिए जाते। परंतु हिरण्यकश्यप का ही पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो अपने पिता को भगवान ना मानकर सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा आराधना करता, जिससे हिरण्यकश्यप बेहद परेशान रहते। हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद की भक्ति भंग करने के लिए लाखों पैंतरे आजमाए, लाखों दंड देने की कोशिश की, परंतु प्रह्लाद का बाल भी भंग का ना कर पाया। एक दिन परेशान हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने हिरण्यकश्यप की मदद करने की सोची, क्योंकि होलिका को आग में ना जलने के लिए एक कपड़ा वरदान में प्राप्त था, इसलिए उसने प्रह्लाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाने की तरकीब समझाई, जिससे प्रह्लाद का उसी पल वध हो जाता। हिरण्यकश्यप को तरकीब पसंद आई, क्योंकि पूरे राज्य में प्रह्लाद ही इकलौता बालक था जो हिरण्यकश्यप की पूजा नहीं करता था। फिर एक रात आग जलाई गई, जिसमें होलिका अपने भतीजे प्रह्लाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। तभी भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वह कपड़ा होलिका से हटकर प्रह्लाद पर आ पड़ा, जिस वजह से प्रह्लाद का बाल भी बांका ना हुआ और होलिका का आग में वध हो गया। उस दिन के बाद हर साल उसी रात को होली दहन का त्यौहार मनाया जाता है और अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। बच्चों, होली दहन का त्यौहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी विशाल क्यों ना हो, पर अच्छाई के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं।